दामोदर महतो जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2020 में खत्म हो चुका है। सरकार ने अपनी पुरानी व्यवस्था की 6-6 माह के लिए 2 बार अवधि विस्तार किया, इसके बाद चुनाव होने तक के लिए बढ़ा दिया, जो अब तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान करने का आदेश दिया है। ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करने पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए भी उसमें प्रावधान है और अधिकतम 50% तक का आरक्षण का किया है। कोर्ट ने यह आदेश 19 जनवरी 2022 को राहुल रमेश बाघ बनाम महाराष्ट्र सरकार एसएलपी वाद संख्या 19756 2021 के मामले में सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था पूरे देश में लागू होगा। ट्रिपल टेस्ट के तहत कमीशन का गठन करना है, ओबीसी का एम्पिरिकल डाटा इकट्ठा करना है, इसके आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान लागू करना, राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश का अनुपालन किए बिना पंचायत चुनाव कराने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पंचायत चुनाव ट्रिपल टेस्ट के आधार पर कमीशन का गठन कर ओबीसी का एम्पिरिकल डाटा इकट्ठा कर इसके आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण देने का प्रावधान लागू करने की मांग करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री, एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री, आप कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली को देखें तो ये बातें स्पष्ट है कि भाई जो प्रश्न किसी न किसी माध्यम से एक बार अगर सदन में आ जाए तो फिर दोबारा उस प्रश्न को लाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, और ये देखना चाहिए सभा सचिवालय को। मेरी व्यवस्था ये है, इन कारण से जो दूसरे नए प्रश्न है वो नहीं आ सकते। यह प्रश्न 3 बार चर्चा में आया, अध्यक्ष महोदय ध्यान आकर्षण के माध्यम से आया, फिर दोबारा आप हम सब का हक मारते हैं कि प्रश्न को बार बार लेकर के, ये मेरी व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, बैठे अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक लम्बोदर महतो जी ने जो पंचायत चुनाव को लेकर अपने सवाल पूछे हैं, ये बात सही है। इस विषय पर कई तरीके से बातें रखी गई हैं सदन में, फिर भी माननीय विधायक की जिज्ञासा है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगता है, उस कोर्ट के ऑर्डर को भी पढ़ा होगा अक्षर सा। उसमें ये बाध्यता नहीं कहता है अध्यक्ष महोदय कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही आपको चुनाव कराना है, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता। अगर ऐसा होता तो अध्यक्ष महोदय उड़ीसा, बंगाल, आसाम, तमिलनाडु में चुनाव नहीं होते अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय 2021 से अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ पंचायत चुनाव लंबित भी है अध्यक्ष महोदय, और इसको लेकर के माननीय विपक्ष के लोग पंचायत के मुखियाओं को सड़कों पर उतारने पर अपने कार्य योजना भी बना रहे हैं अध्यक्ष महोदय, पंचायत चुनाव कराओ। अध्यक्ष महोदय दूसरी तरफ से ट्रिपल टेस्ट को भी लागू करो, हेड भी मेरा, टेल भी मेरा, दोनों अपने पास रखने की कोशिश करते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय 2021 से ये चुनाव लंबित होने की वजह से केंद्र के कई हमारे जो हिस्सेदारी है उसमें जो हमें आर्थिक सहायता मिलती है वो रुक रहे हैं अध्यक्ष महोदय। लगभग 700-800 करोड़ रुपए का अभी तक केंद्र की सहायता हमें रोक दी गई है अध्यक्ष महोदय, और ट्रिपल टेस्ट में समय लगेगा अध्यक्ष महोदय, और उससे मुझे लगता है राज्य सरकार को और आर्थिक हानि होगी अध्यक्ष महोदय। और तत्काल इसलिए हम लोगों ने जिस और सभी राज्यों के साथ यह, और इसको हम लोग आगे इसका आकलन करते हुए निर्णय लेंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन फिलहाल राज्य को आर्थिक नुकसान भी ना हो, और आने वाला समय में अभी सदन यहाँ पर पूरा सदन है अध्यक्ष महोदय,
यहाँ ओबीसी का आरक्षण कहाँ है अध्यक्ष महोदय? लेकिन सभी ओबीसी के सदस्य हैं यहाँ पर अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं है कि आरक्षण बगैर उनको अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और यहाँ तो वैसे भी अध्यक्ष महोदय ओबीसी बहुलता क्षेत्र है भी, आरक्षण मिले या ना मिले वो चुनके तो आएंगे ही आएंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है को महोदय अगर सरकार पंचायत चुनाव कराना चाहती है तो आज जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है वो ओपन करना है, अर्थात उसको जनरल ट्रीट करना। तो आज जो पंचायत चुनाव में यहाँ के पिछड़ी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है, जो आरक्षण मिल रहा वो सीधे शून्य हो जाएगा और झारखंड राज्य की 1,85,00,000 पिछड़ी जातियों का हक और अधिकार मारा जाएगा निश्चित रूप से। उसमें महोदय समय की जहां तक बात है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो टेस्ट जो कमीशन ट्रिपल टेस्टिंग के लिए जो कमीशन जो ट्रिपल महोदय एक मिनट ऑब्जेक्टिव महोदय एक मिनट महोदय जो समय की बात कहा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बहुत स्पष्ट कहा गया कि ट्रिपल टेस्टिंग के लिए जो कमीशन का गठन होगा उसको मात्र 2 महीने के अंदर एम्पिरिकल डाटा का उसका स्टडी करके देना, तो 2 महीने का समय बहुत ज्यादा नहीं होता, 2 साल बीत चुके हैं, 2 महीना यहाँ के 1,85,00,000 पिछड़ी जातियों के हाकर अधिकार के लिए उनको माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय इसमें हाउसहोल्ड सर्वे होना है, 3.25 करोड़ का पॉपुलेशन है इस राज्य में अध्यक्ष महोदय, और 2 महीने में ये चीजें, अभी कोरोना भी हम लोग क्यों इसको डिले किया, हमारी इच्छा नहीं या सरकार की इच्छा भी नहीं होती है कि ये प्रक्रिया जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं वो रुके अध्यक्ष महोदय। लेकिन इसके लिए चूंकि हम देश में कोरोना भी था अध्यक्ष महोदय, कई चुनाव टाले गए, कई राज्यों में भी टाले गए अध्यक्ष महोदय, लेकिन जब सामान्य ही हुई है और पंचायत के लोग भी, पंचायत के जनप्रतिनिधि भी काफी निराश है अध्यक्ष महोदय पंचायत चुनाव ना होने की वजह से, इस वजह से अध्यक्ष महोदय ट्रिपल टेस्ट और उसकी जो कमिटी है उसकी भी कमिटी भी बनेगी, तदुपरांत उस पर निर्णय लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। माननीय सांसद शांत कुमार ओझा जी, आप इसमें पूरक नहीं होता है, आप चंद्रवंशी जी जानिए रहे मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की घोर अभाव है, साथ ही लंबे समय से विभागीय अंतर जिला स्थानांतरण और संदर्भित शिक्षकों का पदस्थापन का मामला लंबित है। कई शिक्षक अपने गृह जिला में पदस्थापन विभिन्न कारणों से कराना चाहते हैं। इसका कारण है कि कई जिलों में परिवार अलग अलग हिस्सों में पदस्थापित है, इसमें कई शिक्षक राज्यसभा में है तो कई केंद्रीय सभा में पदस्थापित है। इन अंतर जिला स्थानांतरण के कारण कई शिक्षक अपने स्वास्थ्य संबंधित कारणों से परेशान है, जबकि अभी देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में शिक्षक अधिक पदस्थापित है जिससे शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे शिक्षक अपने गृह जिला और अंतर जिला स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रत्याशा में लंबे से समय से है, परंतु अंतर जिला स्थानांतरण की नियमावली न बन पाने तथा आज तक अधिसूचना जारी नहीं होने कारण उक्त तथ्यों में बाधा हो रही है। राज्य सरकार को अंतर जिला स्थानांतरण के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित करते हुए शिक्षकों के गृह जिला और अंतर जिला स्थानांतरण में उचित निर्णय लेनी चाहिए। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त वर्णित तथ्यों पर विचार करते हुए राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के गृह जिला और अंतर जिला स्थानांतरण हेतु नीति निर्धारण करते हुए शिक्षकों का स्थानांतरण कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय अभी जो व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, पूर्व की व्यवस्था यहाँ चल रही थी अध्यक्ष महोदय, और इसमें अध्यक्ष महोदय अंतर जिला शिक्षकों का जो ट्रांसफर था अध्यक्ष महोदय उसमें काफी कठिनाई थी अध्यक्ष महोदय, और हमारे सामने भी कई विषय आए हैं अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर सभी शिक्षकों को इसकी जानकारी भी होगी कि सरकार अंतर जिला ट्रांसफर के लिए अध्यक्ष महोदय नई नीति बना रही है अध्यक्ष महोदय, और लगभग ये आखिरी चरण पर है, बहुत जल्द इस पर हम लोग अधिसूचना जारी करेंगे। स्पष्ट उत्तर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद महोदय। केवल एक महोदय इसलिए कह रहे हैं कि लगातार कई महीनों से अखबारों में तो बहुत जल्द तो आप ही के बात पर तो हुआ है। ठीक है माननीय सदस्य, माननीय सदस्य सुरेश कुमार महतो जी। अध्यक्ष महोदय झारखण्ड राज्य के आंदोलन में अग्रणी नेता में शुभार सहित निर्मल महतो जी सहित शक्तिनाथ महतो सहित सुनील महतो जी की मौत स्वाभाविक नहीं है, और लोगों ये घटना निर्मल महतो जी की 8 अगस्त 1987 चमरिया गेस्ट हाउस
शहीद शक्तिनाथ महतो की हत्या 28 नवंबर 1977 को सिजुआ में और शहीद पूर्व सांसद सुनील महतो की हत्या 4 मार्च 2007 को पागुड़िया में हो गई। लोगों की और आम धारणा और आम मान्यता है कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश रहा है। क्या सरकार अपने इन नेताओं की हत्या की जांच भारत सरकार की एजेंसी एनआईए से कराने की इच्छा रखती है? मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय सुदेश महतो जी ने राज के वीर सपूतों के संदर्भ में सवाल पूछा है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये नीतिगत सवाल नहीं बनता है, अध्यक्ष महोदय, फिर भी अगर जिज्ञासा है मैं बताना चाहूंगा इस पर थोड़ा जो संक्षिप्त ये आई है। अध्यक्ष महोदय, शहीद निर्मल महतो जी के घटना को लेकर आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है अध्यक्ष महोदय, और इनको मालूम भी होगा शायद सुनील महतो जी की जो हत्या हुई है उसकी जांच सीबीआई भी कर रही है अध्यक्ष महोदय, और शहीद शक्तिनाथ महतो जी की हत्या लगभग 77-78 के ये में हुआ है अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, अभी जो है स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय, वैसे ये नीतिगत सवाल नहीं बनता है। जब सवाल सुदेश जी, जब सवाल नीतिगत नहीं है और जवाब मोटा मोटी दे ही दिए, तो अब उसमें पूरक कुछ बचता है? पूरक नहीं बचता हमको लगता है। कहना चाहता हूँ ये नीतिगत से ज्यादा महत्वपूर्ण भी है इस प्रदेश का, और खासकर मुख्यमंत्री जी को तो स्वीकार करना चाहिए। ये दोनों तीनों नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के अग्रणी नेता रहे हैं, एक तो अध्यक्ष भी रहे, पूर्व सांसद रहे। परिस्थितियां कभी भी पॉलिटिकल हत्या होती है, ये पूरे राज्य के लिए है, देश के लिए भी है। पॉलिटिकल हत्या में केवल हत्याकर्ता को पकड़ कर जेल डालना नहीं, कभी भी कोई साधारण हत्या होती नहीं है, उसके पीछे साजिश हमेशा होती है। तो इस साजिश का पर्दाफाश नहीं करेंगे तो उसको न्याय उस परिवार को कभी नहीं मिलेगा। ये मैं आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री जी, तो जिस रूप से जवाब कुछ बोलिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें भी जवाब देना। नहीं, जवाब मतलब जांच तो ऑलरेडी है, उनको पकड़ा भी गया है अध्यक्ष महोदय, जो पति पत्नी थे उन लोगों को पकड़ा भी गया, सजा भी हो चुका है अध्यक्ष महोदय। तो ये ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय कि प्रशासन या शासन उसको नजरअंदाज करती है अध्यक्ष महोदय, और ये हमारे चूंकि हमारे ही नहीं राज्य के सर्वोपरि नेताओं में से रहे हैं, तो इसके प्रति कोई गंभीर ना हो ऐसा नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य टूल मत जी, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न अनुगायिक इकाइयों के तथा बीसीसीएल, बीजेएसएल, ईसीएल एवं अन्य संस्थानों द्वारा रैयतों के जमीन अधिग्रहण किया गया, परंतु लंबे समय के बाद भी इस जमीन अधिग्रहण जमीन पर उपयोग नहीं किया गया और रैयतों को होकर परेशान हाल में जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं विस्थापित परिवार के हित में नीतिगत निर्णय लेते हुए क्या ऐसे अधिग्रहित भूमि जिसका उपयोग वर्षों से नहीं किया जा रहा है वैसे जमीन रहितों को वापस दिलाने की कार्रवाई करेंगे? साथ ही भी केंद्र एवं राज्य सरकार के खनन कार्य के अधिग्रहण भूमि पर खनन कार्य हो जाने के बाद उपरांत खनन भूमि को लेबलिंग कर सिंचाई उक्त भूमि का विकास विकसित कर कराए जाने के बाद व्यवस्था नियमावली शर्तों के यह प्रावधान किया गया है कि परंतु बीसीसीएल इस नियमावली के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, खनन कार्य हेतु होने के बाद में खनन भूमि पर यूं छोड़ दिया जाता है जिसके कारण कई बड़े बड़े घटना घट चुकी है। शर्तों के अनुसार खनन कार्य के बाद भी उपयुक्त भूमि का फसल पैदावार को लायक बनाते हुए उस भूमि रैयत लोगों को वापस करना चाहती है। सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उक्त विषयों को दोनों विषयों पर नीतिगत निर्णय लेते हुए खनन कार्य के संपूर्ण होने के बाद भी खनन भूमि को विकसित करते हुए मूल रैयतों को सौंपने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री,
अध्यक्ष महोदय, माननीय टुल्लू माथुर जी ने BCCL, CCA और ECL कोयला खनन कंपनियों के विषय में भूमि अधिग्रहण, उनके मुआवजा और जमीन वापसी संबंधित सवाल पूछे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कंपनियां अध्यक्ष महोदय जो जमीन लेती है अध्यक्ष महोदय, वो कोल बेरिंग एक्ट के माध्यम से लेती है अध्यक्ष महोदय, और कोल बेरिंग एक्ट भारत सरकार का कानून है अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का नहीं। और पूर्व में जो हमारे विपक्ष में अभी बैठे हैं, इन्हीं लोगों ने जो नियमावली बनाई है अध्यक्ष महोदय, वो भूमि वापसी की नहीं, बल्कि उसको उन जमीनों को जो उपयोग नहीं है उसको लैंड बैंक में रखने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। अभी तत्काल उसी का प्रावधान है अध्यक्ष महोदय। और इसमें राज्य सरकार की भूमिका बहुत कम होती है अध्यक्ष महोदय, और मैं इनको आश्वस्त करूंगा इस विषय पर हमारी चिंताएं हैं। और कोल बेरिंग एक्ट और भूमि अधिग्रहण कानून अधिनियम को विस्तृत रूप में स्टडी करते हुए उसकी वैधानिक राय ली जाएगी अध्यक्ष महोदय, तदुपरांत इस पर कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय। हो गया ढुल्लू जी। अध्यक्ष महोदय, ये कोल बेरिंग एक्ट में उसमें प्रावधान है अध्यक्ष महोदय कि कोल बेरिंग एक्ट के तहत अगर जिस जमीन को हम अधिग्रहण किए वो जमीन में अगर हम कार्य नहीं किए, या तो जमीन रैयतों को वापस किया कर देना चाहिए, या तो उसका नौकरी या मुआवजा मिलना चाहिए। जमीन हम अधिग्रहण करने के बाद अध्यक्ष महोदय उसमें हम ओबी गिरा दे रहे हैं, उसका खेती लायक हम रहने नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर उस जमीन में हमारा कोई अधिकार ही नहीं बनता है, मुआवजा नहीं मिलता, नौकरी भी नहीं मिलता, जमीन भी अधिग्रहण कर लिया है। आप संक्षिप्त में मुआवजा और नौकरी का बात बोले। अध्यक्ष महोदय, माननीय अधिकृत जमीन दाताओं का या जिससे अधिकृत किया गया है जी, उसमें नौकरी और मुआवजा है ना, उसको तो नौकरी मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, नौकरी या मुआवजा मिले या तो जमीन वापस करे। ठीक ठीक, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा, अभी फिलहाल जो पूर्व में इन्हीं की सरकार ने उसको भूमि वापसी करने का निर्णय नहीं लिया है, इसको लैंड बैंक में रखने का निर्णय लिया है। और हम अभी मैंने इनको पहले भी बताया कि भूमि अधिग्रहण और कोल बेरिंग एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है उनका विस्तृत रूप से आकलन कराकर वैधानिक उसकी राय लेकर हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद दे दीजिए। हो गया, हो गया। ये बहुत गंभीर विषय है। हाँ हाँ, गंभीर विषय। मुख्यमंत्री जी से कोई क्वेश्चन नहीं करता, विषय गंभीर है, गंभीरता से लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बात बंद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा हो गया। वो तो आश्वासन दिया आपको, आश्वासन दे दिया आपको। आप उसमें दो नहीं होता है, हो गया आपका। एक छोटा सा, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री से हम जानना चाहेंगे कि ये कोल फील्ड में बहुत बड़े बड़े घटना हो चुका है अध्यक्ष महोदय, जो गजलीटांड हत्या का मतलब जो हुआ आपका बहुत बड़े बड़े घटना घट चुका, जो भूमि अधिग्रहण करने के बाद वहां से कोयला निकालने खनन करने के बाद उसमें बालू भराए BCCL नहीं करने के बाद बड़े बड़े घटना हो चुका अध्यक्ष महोदय। कहीं कहीं लोग अगर खदान के अंदर कोई अनलीगल माइनिंग कर रहा है या कोयला चुनने जाता तो बड़े बड़े घटना जो सैकड़ों लोग मर चुका है अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि BCCL कोल इंडिया को ये निर्देश यहाँ से खास करके यहाँ से कुछ ना कुछ तो यहाँ से निर्देश जाए अध्यक्ष महोदय, कि सरकार से निर्देश जाता है कि इस तरह का प्रावधान जो बालू भराई करने का जो निर्णय जो कोल इंडिया के जो प्रावधान में है वो बालू भराई करने हो गया ढुल्लू जी, BCCL के हो गया। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया को एक यहाँ से माननीय सदस्यों के भावना के अनुसार और सरकार के नियम के अनुसार एक आग्रह जाए, वो क्या? अध्यक्ष महोदय, इसका निरंतर हमारा प्रयास चल रहा है अध्यक्ष महोदय, और इस पर लगातार राज्य सरकार से कोल इंडिया को फटकार भी मिलती रही है अध्यक्ष महोदय। और इस विषय पर ये चूंकि केंद्र सरकार के सारे उपक्रम है अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार का बस चले तो यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करा करके सारे माइनिंग करके निकल जाए अध्यक्ष महोदय, ये प्लान। लेकिन अध्यक्ष महोदय, परस्पर सामंजस्य बनाते हुए
केंद्र सरकार के साथ भी जो यहाँ की समस्याओं का ये है समस्याएं हैं उनको एक विस्तृत रूप में इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसका एक कानूनी पहलू भी है और हम आपके पक्ष में हैं, आप चिंता मत कीजिए, इस विषय पर हम निरंतर लगे हुए। मान्य बंधु तिर्की जी, हो गया बंधु तिर्की, मान्य बंधु तिर्की जी, हो गया। ध्रुव जी आपके पक्ष में है बोलने का मतलब सब हो गया, बट उतना नहीं होता है ध्रुव जी, उतना नहीं होता है। बट बंधु जी महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपका सुझाव मान लिए, आपका सुझाव अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के अंदर खनिज संपदा कोयला लाव ऐसे और प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य के विभिन्न जिलों में रैयती भूखंड पर पाए जाने वाले खनिज संपदा में अत्यंत कम राशि देकर उत्खनन कार्य किया जा रहा है। कोडरमा ग्रीडी जिला में स्थानीय ग्रामीणों के जीवन यापन का मुख्य आधार डिबरा स्क्रैप है, जिस पर रोक लगने में उन परिवारों से भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आसन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मैं नीतिगत प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के रैयती भूखंड पर उपलब्ध खनिज संपदा के उत्खनन में रैयतों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत फैसला लेंगे, पहला। दूसरा, डिबरा चुनने वाले मजदूरों का जीविका उपार्जन के लिए भी नीति निर्धारण करने के लिए फैसला नीतिगत निर्णय लेना चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ये सवाल इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है। अध्यक्ष महोदय, 20 सालों में पता नहीं क्यों इसका निष्पादन नहीं हो पाया, ये चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक लोग, कई लोग उस क्षेत्र से भी आते हैं, लेकिन मैं सदन को बताना चाहूँगा, माननीय विधायक जी बंधु तिर्की जी को भी बताना चाहूँगा, सरकार राज्य के खनिज संपदाओं पर और उससे राज्य सरकार को वहाँ के लोगों को कैसे अधिक से अधिक लाभ मिले इसकी चिंता हमेशा करती है। और इस विषय पर अध्यक्ष महोदय स्पष्ट रूप से बता दूँ, इसमें सरकार ने नीति निर्धारण कर भी लिया है और उसका निर्धारण कर अधिसूचित कर दिया गया है अध्यक्ष महोदय, और इससे आने वाला समय में जो डिबरा चुनने वाले हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा, उसको भी अध्यक्ष महोदय सही दाम मिलेगा, जो उसका काला बाजारी होती थी उसका भी उस पर भी लगाम लगेगा, इसलिए ये अधिसूचित कर दिया गया है। माननीय सदस्य महोदय, ये तो कोडरमा में डिबरा चुनने वालों का मामला था, लेकिन जिनका जिन रैयतों का भूखंड से जो माइनिंग होता है और उसको कम दर में माइनिंग किया जाता है, उसमें उसको सही तरीके से राशि नहीं मिल पाती है, वैसे उत्खनन जो हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या नीतिगत निर्णय लेंगे, क्या इसमें कोई नीतिगत नियम बनाएंगे कि जहां तक यहां पर चुके प्रदेश में आपका खनन होता है रैयतों के साथ में जिस तरह से अन्याय होता है, तो इसलिए इसके संबंध में भी ये सुनिश्चित करना चाहे सरकार करेगी कि इस पर कोई नीति बनाने जा रही है क्या। ठीक अध्यक्ष महोदय, पूरे डिबरा से संबंधित सभी विषयों पर हम लोगों ने निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय, वो उसमें सभी चीजें हैं, जो लोग का जमीन, जिसकी जमीन पर खनन हो रहा है उसका, जो लोग निकाल रहे हैं उसका, उसकी मार्केटिंग क्या होगी, वो सभी चीजें परस्पर उसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक, बट सुन, माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर माथुर,